शिमला जिला के तहत रोहड़ू के चिड़गांव में आग लगने से दो मकान जलकर राख हो गए हैं। इस अग्निकांड में करीब एक दर्जन मवेशी भी जिंदा जल गए हैं। जानकारी के अनुसार चिड़गांव के तहत निचली द्युति गांव के एक मकान में आधी रात को आग भड़क गई। ये मकान सालपुर पुत्र बेसरू का था। उसके परिवार वाले शादी में गए थे और वो घर पर अकेला था। देखते ही देखते आग साथ लगते तवारमणि पत्नी लायकराम के मकान में फैल गई। रात के समय तवारमणि के परिवार वालों ने भाग कर जान बचाई, लेकिन दोनों घरों में बंधे मवेशी जिंदा जल गए। इस अग्निकांड में निचली द्युति स्थित सालपुर पुत्र बेसरू का 8 कमरों और तवारमणि पत्नी लायकराम के 5 कमरों का 2 मंजिला मकान पूरी तरह जल गया। आगजनी में 5 गाय, 2 बछड़े, 3 बकरी और 1 भेड़ जिंदा जल गए। दोनों मकान लकड़ी के बने हुए थे। रात के समय आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आगजनी की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गांव के लिए सड़क ना होने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग लगने से पीड़ित परिवारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने मौके पर जाकर प्रभावित परिवार को फौरी राहत प्रदान की है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हिमाचल से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 के साथ।